अब हमारी जैसी हो गई। अब आपको कोई नहीं पहचान पाएगा, आपको शहरी बाबू भी नहीं। अरे लड़कियों, जब देखो तो मुंह खोल के ही हंसती रहती हो। अब कुछ काम वाम नहीं करना है क्या? देखो मेरा हाथ दर्द कर रहा है, पकड़ो और जाके कुछ काम कर लो। समझ में आया? पूरी गर्म हो गई? अरे बाप रे, कितना सारा काम पड़ा है। शुक्रिया। एक मिनट। अब देखती हूँ बड़ी बे इस निकाह पर कैसे ऐतराज करते हैं। अब तो ये निकाह होकर ही रहेगा। अगर किसी ने इनको देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि ये बेहोश है। फिर इतने सवाल होंगे कि उनका जवाब देना मुश्किल। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? ठीक से पहुंच गए थे ना? जी, मैं आपकी दुआएं भी पहुंचा दी मैंने। अभी बस ये कुछ डांस प्रोग्राम शुरू होने वाला। अम्मी, वो जोया भी यहाँ पहुंच गई। जानती हूँ, मैंने उन्हें वापस भोपाल जाने के लिए कह दिया और गाड़ी का इंतजाम भी करा दिया। अल्लाह मियां, मिस फारूकी, जिसका ना जिगर पे लगाए चोट, जिसके जाने से बम फटे, एटम बम हो जाए विस्फोट,
आशिक में जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिक में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डुबा दे गया छल्ला मेरा आशिक छल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे हर समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा लगाया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला शब भर मरे वो कमीना सुबह होते फुर हो गया जिसको मोहब्बत का टीचर कहते रहे वो फटी चर एक लेसन में फेल हो गया कस के जीन पैंट जेंटल मन जो बने रात भर पैजामे से लड़ता रहा हम जगाते रहे चलाते रहे वो जमाई रसाई में लगाता रहा झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला झल्ला बल्ला 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 हाँ मेरा हीरो मेरा आशिक मेरा आपसे वापस जाने के लिए कहा था आपको शर्म नहीं आती सिर्फ बिन बुलाए मेहमान बन के आने में अमेरिका में ऐसे ही होता है लुक मिस्टर खान अमेरिका में लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं आपकी तरह हम एंड वैसे भी मैं यहाँ पे बिन बुलाई जरूर हूँ लेकिन अनवेलकम को क्या बोलते हैं हिंदी में जी मतलब मैं वो नहीं हूँ खुद राइट की सिस्टर्स ने इतने प्यार से मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो आपको ठीक तरह से जानते नहीं मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद है जहाँ भी जाती गड़बड़ करती है आई नो आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहती बुरा तो बस हो जाता आप कभी गलत नहीं होती देखिए ये हमारे फैमिली की बहुत करीबी है और मैं नहीं चाहता आप यहाँ पे कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े आप कल सुबह होते ही रस्में शुरू होने से पहले यहाँ से चली जाइएगा दिस कॉन्वर्सेशन इज ओवर कॉन्वर्सेशन में दोनों लोग बात करते हैं मिस्टर खान नहीं अगर मैंने पहला कदम बढ़ा दिया तो बड़ी भी को जरूर शक हो जाएगा कि मैंने ही कुछ किया है मुझे कुछ और करना चाहिए
ये अखबार नीचे किसने फेंक दिया? जिस खेत से दया खां को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशा गंदुम को जला दो। वाह इकबाल साहब वाह। मलिका, मरियम कहाँ है? बाजी तैयार हो रही है। ओके बाजी, आप रुक जाती तो अच्छा होता। हमारी मुलाकात छोटी थी तो क्या हुआ, हमारी दोस्ती तो सारी जिंदगी की है। इंशाल्लाह। मेहनाज, मलिका, आप दोनों ने मिठाई के डब्बे कहाँ रखे हैं? हम तो मिठाई के डब्बे मंगवाना ही भूल गए। आप बाजी से मिल लीजिए, हम चलते हैं। ओके। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां जाऊं? किसको बताऊं कि मैं? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। तो कभी भी आ सकती है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। ठीक है। इट्स मी जोया। नहीं करना चाहती थी तो तुम्हें अपने अम्मी अब्बू को बताना चाहिए था। साफ साफ बता देती उन्हें, वो जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारा निकाह कर देते। साफ साफ बताया था बाजी, तभी तो वो मेरा निकाह जबरदस्ती करा रहे हैं। उनकी बेटी से ज्यादा उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। सॉरी मरियम, पर मैं कुछ समझी नहीं। बाजी, आपने पूछा था ना कि जिस लड़के से तुम्हारा निकाह हो रहा है तुम उसे जानती हो कि नहीं? उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ बाजी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। जब मेरे अम्मी अबू को पता चला तो अब वो मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं उस बेजी से निकाह करूं। लेकिन बाजी, अगर मेरे भाई जान हो देना, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होने।
लेकिन अभी वो दुबई में है और बाजी अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, कोई भी नहीं। रुक जाओ बरी। अरे उस आदमी को तो सजा होनी चाहिए जिस लड़के को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना चाहिए वो तुम्हारा निकाह उससे क्यों करवा रहा है? बेइज्जत लड़के नहीं लड़कियां ही होती है और अम्मी अबू को इसी बात का डर है अगर ये बात बाहर चली गई तो उनकी इज्जत चली जाएगी और सारा कसूरवार मुझे ही ठहराया जाएगा। कसूर? किस बात का कसूर? अरे जो गलती तुमने की ही नहीं उसमें तुम कसूरवार कैसे हो सकती हो? एक बात हमेशा याद रखना मरियम, जो गलती हमने नहीं की ना उसकी सजा भी हमें नहीं मिलनी चाहिए। तुम उसके साथ निकाह करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती मरियम। मैं उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती बाजी, हरगिज़ नहीं करना चाहती, इसलिए तो मर रही थी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मरियम? अगर किसी को मरना है ना तो वो इंसान मरेगा। सॉरी पर वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो मरियम, अब कुछ नहीं हो सकता बाजी। थोड़ी ही देर में बारात आने वाली है और कुछ ही देर में फिर उसके साथ मेरा निकाह बढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना तुम्हारा निकाह उसके साथ हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। भाग जाऊं? नहीं बाजी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर किसी को पता चल गया तो वो तो मुझे ऐसे ही मार डालेंगे। नहीं देखो मरियम, किसी को पता नहीं चलेगा और जब तक पता चलेगा तुम बहुत दूर जा चुकी होगी। ट्रस्ट मी, मेरी बात सुनो। बाहर एक गाड़ी खड़ी है जो कि मुझे लेने आई थी, लेकिन अब उस गाड़ी में मेरी जगह तुम जाओगे, समझी? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ से भागकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो या फिर उसी लड़के से निकाह। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, जल्दी सोचो तुम्हें क्या करना है। खाली मरियम को देखते हैं, तैयार किया कि नहीं? आप भी आइए, हाँ देखते मरियम बेटा। शुक्रिया अल्लाह का, तैयार हो गई, इसलिए चलते हैं। काजी साहब आ गए हैं, उन्हें इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। हाँ, है। चलिए मरियम बेटा आइए। चल संभाल, ध्यान से संभाल कर। देखिए अभी खुशी का माहौल है, आपसे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मिस्टर खान मुझे देखिए जल्दी, आप अभी तक गई नहीं।